हेलो ऑल माय डियर व्यूअर्स, वेरी वार्म वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जंक्शन बाय जेजे। तो आज हम आए एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ और स्टूडेंट को अब मिलने वाली है काफ़ी राहत, क्योंकि न्यू दिल्ली यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन न्यू दिल्ली ने यह फैसला ले लिया है कि अब बच्चों को यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए पीएचडी की डिग्री की अनिवार्यता नहीं है। आप बिना पीएचडी की डिग्री के भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हैं। बट यहाँ कुछ जो है उन्होंने उस नियमों में संशोधन किया हुआ है। क्या किया है आज हम वो जानेंगे, क्या एलिजिबिलिटी होगी और क्या मांग रहा है यूनिवर्सिटी आपको बिना पीएचडी के पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे पीएचडी की यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए पीएचडी की अनिवार्यता नहीं की गई है और इसे यूजीसी में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने भी न्यू दिल्ली ने भी इसे जो है ख़त्म करने का फैसला ले लिया हुआ है और इससे स्टूडेंट्स को काफ़ी राहत मिली है, क्योंकि कई बार किसी भी कारण जो हम जो हैं पीएचडी की डिग्री नहीं कर पाते हैं। कभी हमारे पास समय नहीं होता, कभी हमारे पास हमारा जॉब होता है, कभी हम उतना समय नहीं दे सकते, लेकिन एक्सपीरियंस और काफ़ी अच्छे टीचर्स इस कारण से यूनिवर्सिटी में पढ़ाने से वंचित रह जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे जो है यूजीसी ने फैसला लिया है कि अगर जो यूजीसी के जो चेयरमैन हैं एम जगदीश कुमार जी, उन्होंने भी ये फैसला लिया है कि पीएचडी की डिग्री की जरूरत नहीं है अगर आपके पास जो है एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अपना एक्सपीरियंस दिखाकर, अपने आप कितने एक्सपर्ट हो उस विषय में ये दिखाकर आप जो है यूनिवर्सिटी में जो है एक जो है पीएचडी के बिना भी आप पढ़ा सकते हैं जाकर। तो यूनिवर्सिटी के यहाँ पे पढ़ाने की जो जो भी इन्होंने फैसला लिया है वो जो है इन्होंने अकेले नहीं लिया है, इसमें एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की भी नज़र इस पर बनी हुई है। जो भी नए नियम यहाँ लागू किए जा रहे हैं उसका डिटेल नोटिफिकेशन आप वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो नए नियम, जो संशोधित नियम होंगे, उन नियमों में टीचर्स की रिक्रूटमेंट के लिए जो प्रोसेस काफ़ी लेट हो जाता है उसके लिए एक टीचर रिक्रूटमेंट पोर्टल खोला जाएगा, जिसकी मदद से वहाँ सब कुछ जो है डेली बाय डेली बेसिस पे अपडेट किया जाएगा, जिससे टीचर रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है जल्दी हो सकेगा और जो नए शिक्षक हैं उन्हें जल्दी इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस से जो है वैकेंसीज, जो खाली वैकेंसीज है उस पर रिक्रूट कर दिया जाएगा। यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो शिक्षा मंत्रालय है उनके अनुसार जो है 2021 से 10,000 जो पद है वो अभी भी खाली पड़े हुए हैं, जिसको जिन पदों को भरने के लिए जल्द ही ये नए संशोधित नियम क्या हैं आप यूजीसी के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। पीएचडी बिना किए कैसे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी डिटेल आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप इसे जो है अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, उनके नए संशोधन नियम और नियमों से अगर आपके साथ मैच हो रहे हैं, उनके जो नए नियम बने हैं, तो आप अप्लाई करके यहाँ पर जो है नौकरी पा सकते हैं बिना पीएचडी किए, बिना अपने 4 और 5 साल जो है गवाए। तो अगर आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।